और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर बनी एक ऐसी फिल्म, मैं इसे फिल्म नहीं कहूंगी, फिल्म कहूंगी तो दर्शकों के साथ धोखा होगा। कश्मीर फाइल्स असल में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको हर आदमी अपने अपने चश्मे से देख रहा है। कोई कहता है कि फिल्म में बहुत ज्यादा ओवर दिखाया गया है, कोई कहता है कि कांग्रेस की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होने दिए, कोई कहता है कि 90 से लेकर अब तक 5 बार बीजेपी की सरकार रही, अगर कश्मीर पंडित कश्मीर से भगाए गए तो दोबारा बसाए क्यों नहीं गए। मैं अभी कुछ दिन पहले कश्मीर घूम कर आई हूँ, मेरे अनुभवों से कश्मीर फाइल्स कितनी मिलती जुलती है, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इसमें कितना प्रोपेगेंडा छुपा है, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर डालिए। पिक्चर किसने बनाई, जिसने बनाई उसको इस पिक्चर के बदले क्या क्या मिला, ये सब बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। डायरेक्ट फिल्म पर आ जाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर के लोग भारत के लोगों को या आईएएस अफसरों को या मिलिट्री के लोगों को इंजन कहते हैं, तो ये बात 100% सच है। कश्मीर के लोग भारत के हर नागरिक को इंजन ही कहते हैं और खुद को कश्मीरी कहते हैं। यहां तक कि कश्मीरियों के ज्यादातर बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां के बच्चे कहां पढ़ते हैं तो उनका जवाब था कि इंडिया में। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 370 हटने के पहले तक कश्मीर का अलग झंडा था, कश्मीर का अलग संविधान, अलग न्याय व्यवस्था थी, जिसके कारण कश्मीरी खुद को भारत से एक अलग देश मानते थे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात उनके लिए भी है जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान या चीन में से जो अलगाववादियों का ज्यादा मदद करेगा उनके साथ चले जाएंगे। कश्मीर भारत का मस्तक है। मैं कश्मीर में रही हूँ, ये बात मैं अपने उन दिनों के प्रवास के दौरान लोगों से बातचीत करने के अनुभवों के आधार पर ही कर रही हूँ। दोस्तों फिल्म में उस समय की मीडिया को सच छिपाने वाला बताया गया। मीडिया को गाली देकर कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर साहब खुद को बड़ा राजा हरिश्चंद्र बताते हुए घूमते हुए दिखाई दिया। मारे गए कश्मीरी पंडितों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, उसके पीछे का तर्क दिया गया कि तब ये आंकड़े छिपा लिए गए थे। जो वो बता रहे हैं वही सही है। फिल्म में 4000 कश्मीरी पंडितों का आतंकियों के हाथों मारा जाना दिखाया गया है। इसको साबित करने के लिए बस इतना कहा गया है कि असली आंकड़ा यही है, सच छिपा लिया गया था। अब जो फिल्म में बताया जा रहा है वही सही है। फिल्म 4000 के कश्मीरी पंडितों का मारा जाना बताती है। सरकार 219 तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। आरएसएस पब्लिकेशन 600 तक पहुंच पाता है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति 650 तक पहुंच पाती है। कश्मीरी फाइल्स वाले विवेक अग्निहोत्री 4000 तक पहुंच जाते हैं। ये आंकड़ा कहां से लाए भाई? इसका जवाब है अनुमान से। इसीलिए इस फिल्म को लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। एक भी कश्मीरी पंडित भाई की हत्या भारत के किसी भी नागरिक को कभी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने मारा, कश्मीर से भगाया, उनका धर्म कन्वर्ट किया गया, तब भारत देश में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार ही थी। उसके बाद 3 बार अटल बिहारी और 2 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। धारा 370 हटाई गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। धारा 370 हट गई, लेकिन आज तक कोई भारतीय कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पाया, कोई प्लॉट नहीं ले पाया, कोई कश्मीरी से विवाह नहीं कर पाया। कश्मीर फाइल्स फिल्म कम अधकचरे ज्ञान की डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगती है। फिल्म में बीजेपी सपोर्टिंग एंगल बड़े ही चालाकी से घुसाया गया है। फिल्म में जितने बड़े विलन आतंकी बताए जाते हैं, उसी तरह की खलनायक तब की भारत सरकार को भी बताया गया है, जिसने कश्मीर को बिल्कुल लबारफ छोड़ दिया था। एक बात और, अगर आप फिल्म देखने के मूड से थिएटर जा रहे हैं तो कश्मीर फाइल्स में आपको पहले ही सीन से निराशा हाथ लगेगी। फिल्म की सुस्त चाल से हो सकता है कि आप बोर भी हो जाए। फिल्म का हीरो कौन है? अनुपम खेर, उनके दोस्त, या फिर अनुपम खेर के बेटे का बेटा? समझ में नहीं आता है। हर पिक्चर की तरह अगर ये गलतफहमी आप पाल कर बैठेंगे कि हीरो कुछ करेगा तो आप बैठे ही रहने वाले हैं। क्रूरता की जो इम्तहा दिखाई गई है फिल्म में वही जानदार सीन है। अगर आप एंटरटेनमेंट के मूड से किसी फिल्म का टिकट खरीदने की सोच रहे हैं तो कश्मीर फाइल्स आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर फाइल्स खराब डॉक्यूमेंट्री है, बढ़िया है, अच्छी है। जो बातें फिल्म में हैं अगर वो आप खुद कश्मीर जाते हैं तो पहले ही दिन से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की गई है, फिल्म रिसर्च के नाम पर 0 है। जो दिखाया गया है वो सब अखबारों में और किताबों में सब कुछ मौजूद है। कश्मीरी खुद को कश्मीरी और भारत के लोगों को इंजन कहते दिखाए गए हैं। कश्मीर में आज भी भारत के दूसरे हिस्से के लोगों को कश्मीरी इंजन ही कहते हैं।
खैर, फिल्म में किसी को हीरो प्रोजेक्ट किया गया होता तो और अच्छा हो सकता था। पूरी फिल्म में सेना का रोल नहीं दिखाया गया है। जो 808 परिवार कश्मीर से कभी नहीं गए उनके बारे में भी कुछ नहीं दिखाया गया। फिल्म में एक सब्जी वाला अनुपम खेर को जिन्ना वाली नोट देता है। अनुपम खेर गांधी वाली नोट उससे मांगते हैं। ये फिल्म 80 से 90 के बीच की कहानी है। 1996 से पहले तक अशोक स्तंभ वाली नोट भारत में चलती थी। अनुपम खेर गांधी वाली नोट क्यों मांग रहे थे? खैर, फिल्म निराश इसलिए करती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बनाई गई है। इससे दर्शक ये आशा करते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही सच दिखाया जा रहा है, लेकिन जब उसमें आंकड़ों से हेर फेर दिखाई देता है तो निराशा हाथ लगती है। ये फिल्म गहरी रिसर्च की मांग कर रही थी जो कि नहीं की गई। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि इस फिल्म से माइंड सेट तैयार करने की कोशिश की गई है। हमारी सरकार से अपील है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी निर्दयता से कश्मीर में जुल्म हुए तो एक एक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसाया जाए, उनको उनका हक दिलाया जाए। अगर सरकार को अब तक कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं मालूम था तो विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स देखकर कश्मीरी पंडितों के हक में कदम उठाएं भाई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @ प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।